साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाली ये वीडियो। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा एक क्वेश्चन है, पिछले 7-8 सालों का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, कितनी बार पूछा है, कैसे पूछा है, और या मैं उसका आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को ये आंसर्स भी बताना है इसी वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपके 15 नंबर कन्फर्म हो जाए। आप सबको बताया, जैसे आपका बीएड फर्स्ट ईयर का अनुभव है कि 2 सवाल आपको करना होता है सेक्शन सी में, तो यहाँ समझ लीजिए कि सेक्शन ई का 1 सवाल आपका कन्फर्म हो जाता है। बात करेंगे अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के दूसरे सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च की, ठीक है। तो कौन सा प्रश्न है जो कि 15 नंबर में हर साल पूछा जाता है, पक्की प्रश्न है, पक्का प्रश्न, मतलब अच्छा प्रश्न है, और 7 सालों से लगातार पूछा गया है। अब आइए उस प्रश्न की तरफ चलते हैं, पिछले 7 सालों के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन पेपर है वो अवध विश्वविद्यालय में 2018 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। 2018 में ये पूरा क्वेश्चन पेपर आया था। इसमें हम चलते हैं सीधे आपके सेकंड पेपर की तरफ, क्योंकि सेकंड पेपर को हम आज देख रहे थे। तो सेकंड पेपर में आप देखेंगे कि मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और क्यों कह रहा हूँ कि वो 15 अगस्त हर साल पूछा गया है, वो प्रश्न कौन सा है बच्चों। अब आइए, वो प्रश्न आपका ये है, यहाँ पे ये रहा आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्यान से इसको देखिए, आपको क्या कह रहा है। किसी समस्या का चयन कर उस पर क्रियात्मक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार कीजिए, सेलेक्ट अ प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर एन एक्शन रिसर्च प्रपोजल या फिर एक्शन रिसर्च फॉर इट, ठीक है। सेक्शन सी में आप देख सकते हैं ये सवाल पूछा गया है, सेक्शन सी में ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। लॉन्ग आंसर सेक्शन सी में, और सेक्शन सी कितने नंबर का होता है, 15 नंबर। ये कौन सा था, 2018 था। चलिए अगले साल की देख लेते हैं, 2019 की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। इस आशा के साथ आपके पास यह पूरा अनसॉल्व होगा, नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करिए। मैं इंतज़ार करता हूँ कि कोई बच्चा मुझे मांगे, वहाँ पे कोई मैसेज करे कि हाँ सर मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे आपको लगता है ना कि हाँ आप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, केवल मैं भेजता हूँ फिर वो अच्छा नहीं लगता, कि आप वहाँ पे एटलीस्ट बोलिए अगर आपको वहाँ पे चाहिए तो। 2019 के क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं, देखते हैं कि क्या 19 में कोई सवाल आया था। हम सीधे सेक्शन सी में चले जाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन सी का सवाल है, सेक्शन सी में ही ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सेक्शन सी में आ जाते हैं, ये रहा 2019 का सेक्शन सी सवाल। देखिए सवाल यहाँ पे, अनुसंधान से क्या समझते हैं इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही तो मैं कहूँ कहाँ गया, अपने शिक्षण विषय से यहाँ एक समस्या का चयन करके उस पर क्रियात्मक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करिए, सेलेक्ट ए प्रॉब्लम फॉर योर पैडागॉजिकल सब्जेक्ट एंड प्रिपेयर एन एक्शन रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, समझ में आ गई बात। अपने विषय में एक रिपोर्ट तैयार करना है क्रियात्मक अनुसंधान, ये 2019 थी बच्चों। 2020 में ये सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, हालांकि 2020 में इसे सवाल बदल दिया था, सवाल ये नहीं आया था, तो हम 2020 को यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। 2021 में आ जाते हैं, 2021 में अगर हम बात करें बच्चों, ये 2021 का प्रश्न पत्र है। 2021 के अगर हम सेकेंड पेपर के सेक्शन सी में आते हैं तो आप देखेंगे बच्चों कि सेक्शन सी में आपसे क्या सवाल पूछा था, क्या ये वही सवाल नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो सवाल आपका कि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन तथा क्रियात्मक परिकल्पनाओं के निर्माण को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए, बात वही है, एक समस्या पे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रस्ताव का रिपोर्ट आपको यहाँ पे बनाना है। ये 2021 की बात थी। अब हम चलते हैं पिछले साल कैसे ये सवाल पूछा गया था 2022 में, फिर मैं आपको इसका आंसर बनाऊंगा। अभी तक मैं आशा करता हूं कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यह इस प्रश्न का महत्व कितना है, कितना इंपॉर्टेंस है। देख रहे हैं आप, हर साल पूछा जा रहा है और वो भी 15 नंबर में पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और मैं भी स्किप नहीं कर सकता। इसी वीडियो में एक आसान सा, साधारण सा, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सके, उसका हम प्रस्ताव तैयार करेंगे। तो चलते हैं 2022 की तरफ। तो दोस्तों 2022 का प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पर, बीएड सेकेंड ईयर 2022 असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान और असेसमेंट ऑफ अधिगम का आकलन और क्रियात्मक अनुसंधान, ये प्रश्न पत्र। हम सीधा कहाँ चलते हैं, हम सीधा चलेंगे सेक्शन सी की तरफ, क्योंकि इस बार भी सेक्शन सी में ही पूछा था, 15 नंबर में सवाल पूछा था। सवाल क्या था, आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर में ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल कुछ नहीं बच्चों, फिर से सवाल वही है, फिर से वही सवाल है जो कि कई बार रिपीटेड यहाँ पे पूछा गया है। विद्यालय से संबंधित किसी समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान योजना बनाइए, प्रिपेयर एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कूल, समझ में आ गई बच्चों। अब आइए, अब हम इसका आंसर्स बनाते हैं, इसका शुरू करेंगे अपना एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इस लाइन के साथ कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी जज्बे के साथ आइए हम शुरू करते हैं आपके एक्शन रिसर्च रिपोर्ट को
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा आपने। तो आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि लिखना कैसे है, और आप चाहें तो एज इट इज़ लिख सकते हैं। मैं एंड में आपको स्क्रीनशॉट देने का चांसेस दूंगा, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हमने यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दिया क्रियात्मक अनुसंधान की योजना। योजना का शीर्षक मतलब समस्या क्या है, तो आपने समस्या का चुनाव किया कि विद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं का समय से न आना व उपस्थित न रहना, अनुपस्थित रहना। हमने एक समस्या यहाँ पर देखी कि छात्र छात्राएं विद्यालय समय पर नहीं आते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अच्छी बात है, ये हमारी समस्या हो गई। चलिए अब उसके बाद आपने थोड़ी डिटेल्स डाल दी, विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अयोध्या, या फिर कहीं भी डाल सकते हैं, कक्षा, छात्र संख्या, बालक बालिका में कितने सर। अब अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर बता दीजिए कि अनुसंधानकर्ता कौन है, नाम डॉट लिख दीजिएगा, योग्यता बीएड, और योजना की पृष्ठभूमि आपको कैसे पता चला। तो छात्र अध्यापिका ने अपने शिक्षण कार्य के दौरान देखा कि बच्चे स्कूल समय से नहीं आते हैं तथा कुछ बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब आइए योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य। आप जब इस योजना का अनुसंधान करेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो आप विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझाएंगे कि एबसेंट ना रहो, टाइम से स्कूल आइए। विद्यार्थियों में जो देर से आने का कारण है उसको आप जानेंगे, उसको हल करेंगे। अनुपस्थित रहने का कारण को जानना और हल करना, कारणों की जांच करना, जांच के पश्चात उसका निवारण करना, ये आपका उद्देश्य है, और इसीलिए आप क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। अब आइए, अब जो योजना बनाएंगे या फिर जो आपका हल निकलेगा उससे विद्यालय की योजना का क्या महत्व है, विद्यालय के लिए उस योजना का क्या महत्व है। तो यदि विद्यार्थी समय पर स्कूल नहीं आते हैं या अनुपस्थिति रहते हैं तो अध्यापक या अध्यापन कार्य सही नहीं कर पाते हैं। सही बात है। यदि जो विद्यार्थी अनुपस्थिति रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं आते हैं, तो उनके समझने में कठिनाई का अनुभव होगा, अतः विद्यार्थी की प्रवृत्ति को कम करने के लिए उन्हें शिक्षा का महत्व समझाना आवश्यक है। अब आइए समस्या का क्षेत्र। आपने ये सब हेडिंग है, ये हर एक क्रियात्मक अनुसंधान में रहता है। तो समस्या के क्षेत्र में आपने क्या कहा, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के समय से स्कूल न आने व अनुपस्थिति रहने की समस्या का निवारण करना। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। आपको दो कॉलम बना लेना है, समस्या के लिए साक्ष्य, मतलब आपने ये क्या क्या साक्ष्य इकट्ठा किए, तो एक साक्ष्य और साक्ष्यों के आधार, किस आधार पर आपको कैसे प्राप्त हो। अध्यापिका द्वारा छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान न देना, ठीक है, अध्यापिका से वार्तालाप करके। आपने देखा कि जो कुछ ऐसे टीचर हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, चाहे आए या ना आए कोई बात नहीं। छात्रों का गृह कार्य करने के कारण से देर आना, हो सकता है बच्चा घर पे ज़्यादा कार्य कर रहा है, कैसे पता चला, छात्र बहाना भी बना सकते हैं कि हमारा घर पे काम था। छात्र से वार्तालाप द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच करना, विद्यार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच करें तब पता चला ये नहीं आए। विद्यार्थियों से वार्तालाप के लिए छात्र अध्यापक के पास समय ना होना, मतलब जो टीचर है बस आए पढ़ाए निकल गए, ये भी एक समस्या हो सकता है। आपको कहाँ से पता चला इस साक्षी का आधार क्या है, तो विद्यार्थियों से छात्र अध्यापिका का वार्तालाप द्वारा। विद्यार्थियों को परिवार के सहयोग का अभाव, ये भी हो सकता है कि परिवार नहीं कहता है कि आप स्कूल जाइए, या फिर थोड़ा सा सहयोग का अभाव है निरीक्षण के द्वारा। तो ये हो गई बच्चों साक्ष्य इकट्ठा करना, प्रूफ इकट्ठा करना, ठीक है। अब आइए समस्या के कारणों का विश्लेषण। अब इन सब चीज़ के बाद आपने विश्लेषण किया कि आखिर कारण क्या हो सकता है, तो आपने देखा कि विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्हें शिक्षा प्राप्ति की मार्ग की ओर अग्रसर करना है। विद्यार्थियों के देर से आने के कारणों के बारे में पूछना और उन्हें समय से आने के लिए महत्ता के बारे में बताना है, और विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण के बारे में पूछना और शिक्षा के महत्व को समझाना है। आपने ये समस्या का कारणों का विश्लेषण कर लिया। अब आइए, अब यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप एक उपकल्पना करेंगे कि हम अगर ये चीज़ें लागू कर दें शिक्षा में तो बच्चों की ये समस्या दूर हो जाएगी। तो हमेशा तीन उपकल्पनाएँ की जाती हैं। पहला उपकल्पना आपने किया कि बालक बालिकाओं को सुबह उठने में समस्या आती है जिससे कि स्कूल नहीं आते हैं। आपने ये परिकल्पना करी, शायद बालक और बालिकाओं को प्रार्थना करने से डर लगता है इसलिए वो देर से आते हैं। अनुपस्थिति रहने की वजह से हो सकता है कि विद्यार्थियों के घर पर कार्य ज़्यादा होना, ठीक है, आपने ये उपकल्पनाएँ करी। अब आइए, अब जो आपने उपकल्पनाएँ करी उसको वन बाई वन लागू करेंगे, ठीक है। तो इसको वो क्रियात्मक उपकल्पना संख्या एक का कार्यान्वयन, मतलब आपने लागू कर दिया। आपने इस तरह से कॉलम बना लेना है, क्रियाएं जो करती हैं जो भी छात्र अध्यापक करेंगे, और विधि समय उपस्थित कर, विद्यार्थियों को जल्दी उठने के लिए कहना,
ठीक है, आपने 5 दिनों तक विद्यालयों को कहा, माता पिता को समझाया कि बच्चों को जल्दी उठाइए, जल्दी भेजिए, विद्यार्थियों को रात में जल्दी सोने के लिए कहना, अभिभावकों से ध्यान देने के लिए कहना और शिक्षा में परस्पर सहयोग की भावना के लिए कहना, ये समय है कि आपने कितने समय तक इस चीज़ पर कार्य किया। परिकल्पना आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है, आपको लगा था कि विद्यार्थी इसलिए नहीं आते। दूसरी उपकल्पना आपने जो किया उसको आप कार्य लागू कर दीजिए, विद्यार्थियों को प्रार्थना आदि से परिचय कराना, ठीक है, शिक्षक व बड़े कक्षा के विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के मन से प्रार्थना के डर को दूर करना, 2 सप्ताह अध्यापक अध्यापिका, विद्यार्थियों को प्रार्थना सिखाना और विद्यार्थियों से प्रार्थना करवाना शिक्षक व सहपाठी विद्यार्थियों के साथ, यहाँ पे अपेक्षित साधन कहते हैं। ये आपने दूसरी उपकल्पना कर ली, उनको जो प्रार्थना से डर लगता था। और तीसरी उपकल्पना जो आपने करी थी कि विद्यार्थियों का अभिभावक से बात करना, विद्यार्थियों को रोज स्कूल आने के कहना, घर पर उस आवश्यक कार्य का पता लगाना और आवश्यक कार्य संबंधित निवारण करना, समय 5 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह 1 सप्ताह, हर का सबका समय ऐसे ही आप लिख सकते हैं, 5 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह 1 सप्ताह। अभिभावकों से कहना, इसमें अपेक्षित साधन कौन है, अभिभावक है, विद्यार्थी आने कहना शिक्षक है, और घर पर तो शिक्षक व परिवार के सदस्य, शिक्षक एवं माता पिता समझ। अब आपने तीनों परिकल्पनाएँ कर ली, अब आप मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के आखिरी पॉइंट्स होता है शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्य स्वयं के कार्य प्रणाली से क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा सुधार लाया जा सकता है। 15 दिन बाद जब मैंने अपनी कक्षा का निरीक्षण किया तो पाया कि 30 में से 25 बच्चे उपस्थिति रहने लगे हैं और सारे बच्चे समय से स्कूल भी आने लगे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि अध्यापक स्वयं अभिभावक और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहें तो छात्रों में ऐसी आदत नहीं होगी। अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी करेंगे और आपका रिपोर्ट यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ज़रा रुकिएगा वीडियो को ख़त्म करने से पहले। मैंने अपनी कक्षा का निरीक्षण कुछ समय बाद किया तो पाया कि 1-2 बालकों को छोड़कर सभी विद्यार्थी समय पर स्कूल आने लगे। अध्यापक, प्राचार्य, अभिभावक के प्रयास से विद्यार्थी विद्यालय में आने की न आने की समस्या व अनुपस्थिति रहने की समस्या आदतों का सुधार हुआ। इस परिकल्पना का वास्तविक उद्देश्य यही था, ठीक है। अब यहाँ पे ये समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ और साथ ही साथ आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पूरा पॉइंट है कि बस ये है, डिपेंड करता है कि किस पॉइंट, कुछ है नहीं, बस पॉइंट पे आपको लिखना है। आपने बिल्कुल अपने मन से आप लिख सकते हैं, तो आप हेडिंग को ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला यहाँ पर क्या है, पहला आपने ऊपर लिख दिया क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, तो जो आपने समस्या का चुनाव किया आपने वो समस्या लिख देना है, विद्यालय, कक्षा, छात्रों की संख्या और अपने बारे में थोड़ा लिख देना है, योजना की पृष्ठभूमि आपको कैसे पता चला, ठीक है। चलिए, योजना को योजना के अंतर्गत आप जो अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या है, आप जो योजना बना के रिपोर्ट उसका क्या उद्देश्य है, उससे विद्यालय का क्या महत्व है, योजना के लिए विद्यालय का क्या लाभ है, समस्या का क्षेत्र, कौन सी क्लास की बात की जा रही है, कहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, और उसके बाद आप समस्या का रूप यहाँ पे, तो आप साक्ष्य बताना है, साक्ष्यों के आधार बताना है कि समस्याओं के बारे में कहाँ से पता चला आपको, ठीक है। फिर उसके बाद समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करेंगे, खुद समझेंगे कि कारण क्या हो सकता है, और आप 3 परिकल्पनाएं बनाएंगे और उन 3 परिकल्पनाओं को बारी बारी से लागू कर देंगे कुछ कुछ समय के लिए, जैसे 5 दिन 5 दिन 5 दिन 1 सप्ताह आप अपने अनुसार लागू कर सकते हैं, ठीक है। तीनों आपने लागू कर दिया, फिर आपने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन में आप देखेंगे कि हाँ समस्याएं बहुत हद तक दूर हो गई हैं, और अंततः आप एक क्या करेंगे, टिप्पणी कर देंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बस आप एक छोटा सा काम करिएगा, इसको एक बार लिखिएगा पूरा एज इट इज़, चाहे तो लिख सकते हैं, और उसके बाद सेम इसी हेडिंग पे आप दूसरे रिपोर्ट्स तैयार करिएगा। अब समस्या मैं आपको बता देता हूँ, समस्या यहाँ पे था कि बच्चे स्कूल देर से आते हैं, ठीक है। अब समस्या ये भी हो सकता है कि बच्चे एग्जाम्स में एबसेंट होते हैं, परीक्षा से डरते हैं, ये समस्या हो सकती है। समस्या ये हो सकती है कि बच्चे सही से पढ़ते नहीं हैं या फिर होमवर्क करके नहीं आते हैं, ये भी समस्या हो सकती है। समस्या ये हो सकती है कि बच्चों की बच्चे मैथ से डरते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने में उन्हें समस्या होती है, ठीक है, ये भी समस्या हो सकती है। समस्या ये हो सकती है कि बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है, आपस में सहयोग की भावना नहीं, कुछ भी समस्या हो सकती है। उसी आधार पर, बिल्कुल इसी आधार पर आप परिकल्पनाएँ बना सकते हैं, आप यहाँ पर एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कुछ हद तक समझाऊं, और मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा। तो वीडियो कैसी है, कैसी लगी आपको वीडियो, क्या समझ में आया, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे वहां से मोटिवेशन मिलता है और मुझे समझ आता है कि चलो मेरी मेहनत कुछ हद तक कारगर हुई।
इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। इस वीडियो का कमेंट में मुझे आपका बहुत इंतज़ार रहेगा, आप वहाँ पर क्या फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपका कमेंट पढ़ के। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और दूसरे वीडियोज़ में हम कुछ और क्रियात्मक अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप वो रिपोर्ट भी ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई हो, और कमेंट में अपनी राय देना जरूर जरूरी समझे, भूले नहीं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बात की बात है, पहला है कि आपको समझ में आना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंत तक। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।